हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा भारत तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली पूर्वी घाट की और पश्चिमी घाट की, कि यह किन किन तटों में डिवाइड है। तो दोस्तों, यह राज्य तमिलनाडु है, और तमिलनाडु की कन्याकुमारी से कृष्णा आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के मुहाने तक। यह किस नाम से जाना जाता है इस तट को? तो इसे जाना जाता है कोरोमंडल के नाम से। किस नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। अब कृष्णा नदी मुहाने से पश्चिम बंगाल तक यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है उत्तरी सरकार के नाम से। किस नाम से? उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। अब बात करें केवल आंध्र प्रदेश तट की, तो यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है किस नाम से? गोलकुंडा के नाम से, गोलकुंडा तट के नाम से। अब बात करते हैं केवल पश्चिम बंगाल के तट का, तो यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बंग तट के नाम से। किस नाम से? बंग तट के नाम से। अब आते हैं पश्चिमी घाट पर, तो दोस्तों यह है हमारा गुजरात। क्या है? गुजरात। गुजरात तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है काठियावाड़ तट के नाम से। किस नाम से? काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। ये है महाराष्ट्र। यह राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। और ये गोवा। यहाँ तक इस तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। किस नाम से? कोंकण तट के नाम से। ये है कर्नाटक। तो इसे किस नाम से जाना जाता है इस तट को? तो इसे कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक के तट को। ये केरला है। ये केरला तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मालाबार तट के नाम से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि दक्षिण भारत में किन किन तटों में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट बटा हुआ है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एग्जाम दृष्टि। धन्यवाद।